तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली NS200 हैंडल के ऊपर होने वाला है। मेरा एक दोस्त है जिसके पास मेरे जैसा सेम नहीं कहूँगा, ब्लू कलर में एक NS200 है, BS6। वो अपनी बाइक में KTM का हैंडल बार इंस्टॉल करने वाला है, तो उसी के ऊपर ही आज का ये वीडियो होने वाला है, हाउ टू इंस्टॉल KTM हैंडल बार ऑन NS200। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लिप ऑन हैंडल बार्स को खोला जा रहा है। इसमें सब एलन की बोल्ट्स होते हैं गाइस, तो आपको ये खोलने के लिए एलन की चाहिए होगा। ये रहा हमारा हैंडल असेंबली और KTM ड्यूक का हैंडल। और लेफ्ट साइड के हैंडल बार में जो ग्रिप लगा हुआ होता है वो गम से चिपकाया हुआ होता है, इसलिए निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। Meanwhile, और अभी हम मेन बेस प्लेट को बैठा रहे हैं। उसके नीचे सारा स्पेशल भी आएगा जिससे हैंडल थोड़ा सा ऊपर रहेगा और चलाने में कंफर्टेबल रहेगा। और इस प्लेट के ऊपर ही हमारा हैंडल बार का जो होल्डर होता है वो बैठेगा। बाकी सब लोग क्या करते हैं गाइस, जब वो अपनी बाइक में हैंडल बार इंस्टॉल करते हैं वो तो कंपनी से जो ऊपर वाला प्लेट होता है उसमें ही होल्ड करके हैंडल बार होल्डर को लगा देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉपर क्लैम्स लगाएंगे, उसके बाद ही हैंडल को इंस्टॉल करेंगे। और ये क्लैम्स मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर किया था, आप लोग चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये रहे हमारे भैया जी जो हमारा हैंडल बार इंस्टॉल कर रहे हैं। उनकी स्माइल बहुत प्यारी है यार, दिल खुश हो जाता है। हैंडल बार को होल्डर पे एक बार लगा के देख रहे हैं कि अच्छे से फिट हुआ है कि नहीं। सक्सेस। स्विचेस को लगाने के बाद हमारे सामने एक प्रॉब्लम आया कि क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए क्लच केबल को नीचे से ले जाकर कनेक्ट कर रहे हैं।
और गाइस फाइनली हमारा हैंडल लग चुका है और आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसा लुक आ रहा है बाइक का। और गाइस हमने जहाँ पे काम करवाया है उस शॉप का नाम है बाइक पॉइंट। आपको मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ का लोकेशन है बातोरा। अगर आपको भी आपके बाइक में कुछ ऐसा काम करवाना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भैया लोग हैं वो बड़े ही अच्छे से काम करके आपको देंगे। 2 hours later, हैंडल बार इंस्टॉल करते करते रात हो गया था गाइस, इसलिए आपको मैं ठीक से दिखा नहीं पाया। बाद में किसी वीडियो में आपको ठीक से बाइक दिखा दूंगा। और पहले से बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है चलाने में और बाइक का कंट्रोलिंग भी बेहतर हो गया है स्टॉक हैंडल बार के मुकाबले। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।